वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमन, एक बार फिर से आपका स्वागत है वीके न्यूज पे। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद पूरे देश में आग की तरह फैलता जा रहा है। अब गुजरात का मामला देख लीजिए। यहाँ पर हिजाब विवाद ऐसा शुरू हुआ कि महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं थी, उनका परीक्षा देना भी मुश्किल हो गया। जी हाँ, गुजरात तक अब ये हिजाब विवाद पूरी तरीके से फैल चुका है। सूरत के एक स्कूल में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनकर आने पर हिंदू संगठन ने विरोध दर्ज कराया। पुलिस ने विवाद को बढ़ने से रोकने के लिए हिंदू संगठनों को ही उल्टा यहाँ पर उसके 15 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। माहौल ना बिगड़े इसलिए पुलिस ने आसपास के इलाके में चौकसी बढ़ा दी। मामला सूरत के बरछा में स्थित पीपी स्वाड़ी स्कूल का बताया जा रहा है। यहाँ मंगलवार को 4 से 5 मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर परीक्षा देने पहुंची थी। इसका वीडियो बनाकर कुछ छात्रों ने हिंदू संगठन मतलब परिसरों को यहाँ पर भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही VHP मतलब विश्व हिंदू परिषद के लोग स्कूल पहुंच गए और यहाँ पर पूरी तरीके से कहने लगे कि भैया हिजाब और बुरखा ऐसे नहीं चलेगा। वहीं स्कूल पहुंचे VHP के कार्यकर्ता सीधे प्रिंसिपल से बात करने उनके ऑफिस में पहुंच गए। इसके बाद स्कूल में विवाद शुरू हो गया। कुछ देर में ही पुलिस वहां पहुंच गई और उल्टा ही यहां पर जो विश्व हिंदू परिषद के 15 कार्यकर्ता थे उनको हिरासत में ले लिया गया। स्कूल पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के नेता नीलेश अकबरी ने कहा कि गुजरात को शाहीन बाग बनाने की साजिश चल रही है। हमने प्रिंसिपल से सवाल किया कि स्कूल में ड्रेस कोड नियम फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद पिछले महीने जनवरी से तब शुरू हुआ था जब उडुपी के एक सरकारी कॉलेज के क्लास में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर एंट्री ली थी। विवाद इसको लेकर था कि कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वो फिर भी इसे पहनकर आई थी। इस विवाद के बाद से ही दूसरे कॉलेजों में भी हिजाब को लेकर बवाल शुरू हो गया और ऐसा बवाल शुरू हुआ कि अब पूरे भारत देश में यहाँ पर ये फैल चुका है। साथ ही साथ पाकिस्तान, कट्टरपंथी जितने भी देश हैं वहाँ भी ये लगातार हिजाब विवाद बढ़ रहा है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।